Assalamualaikum and welcome to another episode of Give It a Thought. आज की जो मेरी गेस्ट है उनका ताल्लुक MD Production से है। मैं बात कर रही हूँ सायरा गुलाम नबी की, जो हेड ऑफ स्क्रिप्ट है MD Production में, और इनकी सुपरविजन में बड़े सुपरहिट ड्रामे हमें देखने को मिले जिसमें रकीब से, रक्स से दिसमिल, चुपके चुपके और मुश्क शामिल है। वेलकम टू माई शो सायरा, हाउ आर यू? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम निदा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं सारा? बड़े अच्छे अच्छे ड्रामे दिखा रही हैं आजकल आप हमें, हम टीवी पे। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे ड्रामे देखती हैं और आपने उन ड्रामों की वजह से मुझे आज इनवाइट किया। नहीं, हम तो बहुत ज्यादा जो है वो एंटरटेन हो रहे हैं और बड़े अच्छे, ना सिर्फ आप लोग टॉपिक पे पिक किए आप लोगों ने इन ड्रामों में, बल्कि बहुत अच्छा एंटरटेन भी किया। कितने सालों से सारा आप MD Productions के लिए काम कर रही हैं? निजा, मुझे तकरीबन 11 साल हो चुके हैं। मैं यहाँ पे 2011 से हूँ, तकरीबन 10 साल पूरे हो चुके हैं और 11वां साल लग चुके हैं। अच्छा, माशाल्लाह। सारा, MD Productions ज्वाइन करने से पहले आप खवातीन डाइजेस्ट और शुआ डाइजेस्ट के साथ मुंसलिक थी, आप वहाँ एडिटर होती थी, मुझे अभी भी याद है। हम स्टूडेंट लाइफ में बड़े शौक से खवातीन डाइजेस्ट की स्टोरीज पढ़ा करते थे, तो उसके बाद आपने एक अदबी मैगजीन की भी एडिटिंग की, वहाँ की भी आप एडिटर रह चुकी हैं, तो प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक का सफर कैसा रहा आपका? बहुत दिलचस्प रहा और बहुत मज़ेदार रहा, कुछ इस तरह से कि ज़ाहिर प्रिंट मीडिया का एक ज़माने में अपना तूती बोलता था और उसे बहुत ज़्यादा लोग पढ़ा करते थे, उसकी कहानियाँ वगैरह ये वो। तो 2000 में जब चैनल्स आए तो चैलेंजेस दूसरे हो गए, प्रिंट मीडिया का दौर थोड़ा सा कम होने लगा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का टाइम आ गया। तो मैं यहाँ पर जब आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, एक डिफरेंट मीडियम था लेकिन काम वही था जो मैं पहले भी कर रही थी, और यहाँ MD Production में भी मैंने यही काम शुरू कर दिया। सारा, MD Production ज्वाइन करने से पहले आपने रेडियो पाकिस्तान के लिए भी काम किया जिसमें आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिल चुका है, तो कुछ बताएंगे हमें रेडियो पाकिस्तान के हवाले से, किस तरह का काम था, क्या काम किया आपने वहाँ पर कि आपको माशाल्लाह फिर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला? निदा, मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में जब मैं फर्स्ट ईयर में आई थी तो जब ही से मैंने रेडियो पाकिस्तान ज्वाइन कर लिया था और तकरीबन 10 साल तक, यानी कि MA करने तक मैंने वहाँ बाकायदगी से प्रोग्राम्स किए और तकरीबन हर तरह के प्रोग्राम किए जिसमें स्क्रिप्ट राइटिंग से लेकर मुख्तलिफ सौती जितने भी प्रोग्राम होते थे उन प्रोग्रामों में मैं हिस्सा लेती थी, इंटरव्यूज़ लेना, मुजाकरे मोबाइल से वगैरह वगैरह। तो बहुत अच्छा था, कुछ इस तरह से कि वहाँ मैंने बड़े लोगों से मतलब उनके साथ बैठकर उनसे, यानी कि सोबत याफ्ता लोगों के साथ जो है टाइम गुजारा, और साहिब इन लोग थे जो, यानी कि मैं यूँ कह सकती हूँ कि बहुत मैंने वहाँ से सीखा। सही। सर, आपने एक बुक भी लिखी मुखातिब के नाम से, आपकी बुक पब्लिश हुई, थोड़ा सा अपनी बुक के बारे में हमें बताइए और हमें ये भी जरूर बताइए कि उसके बाद आपने कोई बुक क्यों नहीं पब्लिश की और वो काम वहाँ क्यों रुक गया? निदा, कुछ ऐसा है कि ये मेरी किताब आई थी 2010। हुआ यूँ कि खवातीन डाइजेस्ट के ज़माने में मैं इंटरव्यूज़ किया करती थी शायरों, तो उन शायरों के इंटरव्यूज़ मैंने कोई तकरीबन 5-6 साल तक किए, कराची के बहुत सारे शोरा के इंटरव्यूज़ किए बल्कि पाकिस्तान के भी। तो वो एक मेरा ऐसा काम था कि जैसे मेरे दोस्तों ने मशवरा दिया कि उसे किताबी शक्ल में महफूज कर दिया था, तो इस तरह से समझे वो मेरे दोस्तों की मोहब्बत की वजह से, यानी कि वो किताब आ गई और मेरा काम महफूज हो गया। और आप ये कह रही हैं कि मैंने आगे क्यों नहीं लिखा, तो वजह ये है कि फिर मैं यहाँ पे आकर जो टेलीविजन की जो मसरूफियात पे इतनी ज़्यादा बिजी हो गई कि मैं इस काम को आगे नहीं बढ़ा सकी, जिसका मुझे बहुत अफसोस होता है। अच्छा सर, मैं शॉर्ट राइटर भी थी, चीज़ें लिखी थी किताबों पे, तबसरे वगैरह ये वो, मेरी लिटरेरी सरगर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन चूंकि यहाँ पे मैं हेड के तौर पे आई तो बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि काम का बर्डन पड़ गया और फिर मीडियम चेंज हो गया, तो शायद ये भी वजह हो सकती है कि मैं फिर उस तरह से अदब का काम नहीं कर सकती।
सही, आप खुद भी लिखना जानती हैं माशाल्लाह, खुद भी लिखती आ रही हैं, लिख चुकी हैं। क्या चीज तलाश करती हैं? अच्छा कंटेंट आपकी नजर में क्या होता है जब राइटर्स आपके सामने स्क्रिप्ट लेकर आते हैं, तो उसमें आप क्या चीज देखती हैं? सबसे पहली बात तो निदा हम ये देखते हैं कि रिलेटेबल हो, यानी कि लोगों को वो लगे कि उनकी अपनी कहानी है, उनके दरमियान से निकली है और उन किरदारों को की कहानी है जो हमारे आसपास होते हैं। तो ऐसी कहानियाँ हम सबसे पहले मुंतखब करते हैं और लोगों तक पहुँचाने की कोशिश। सर, एक कंटेंट राइटर बनने के लिए क्या स्किल्स की जरूरत होती है? इंसान के पास कौन सी स्किल्स हो? क्या हर इंसान कंटेंट राइटर बन सकता है? हर इंसान स्क्रिप्ट राइटर बन सकता है? देखिए, कुछ चीजें तो होती हैं जो खुदा दाद सलाहियत जिसे हम कहते हैं कि वो होती है, यानी कि तख्लीकी सलाहियत जो होती है वो तो खुदा की अता होती है, लेकिन उस तख्लीकी सलाहियत को आपको बरूए कार लाने के लिए थोड़ी सी मेहनत भी करनी होती है, वो है एक राइटिंग की प्रैक्टिस। अच्छा, उन सबसे पहले जो है ना, आपको अपने, यानी कि अगर आप किसी भी फील्ड में हो तो मेरा ख्याल है कि मुताला करना चाहिए। मुताला करने से आपका विजन ब्रॉड होता है, आपका जहन खुलता है, आपको नई नई बातें सोचती हैं, आपको किताबों के मुताले के साथ साथ इंसानों के मुताले का हुनर भी आना चाहिए, इंसान की साइकी को समझना चाहिए। तो ये सारी बातें जो है ना मिलजुल कर जो है ना आपकी एक सोच बनाती है। तो जो आप सोच लेके चल रहे होते हैं ना, दूसरी मतलब कहानियों से कहानियां निकाल रहे होते हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि आपको इन सब बातों का इल्म होना चाहिए। राइट। तो अच्छा सर, कुछ चैनल्स पे बहुत टिपिकल जो है वो ड्रामे चल रहे हैं, वो सास बहू के रिलेशन से या सास बहू के झगड़ों से बाहर नहीं आ रहे, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या हमें अपनी सोच को या अपने ड्रामों के स्टाइल को बदलना चाहिए? हाँ, बिल्कुल बदलना चाहिए, लेकिन सास बहू भी एक बड़ी हकीकत है हमारे टीवी देखने वाले नाज़रीन के लिए। लेकिन ये है कि मुख्तलिफ मौजूआत को ज़रूर ज़ेरे बहस लाना चाहिए, और हमारी तो कोशिश होती है कि हम नए से नए मौजूआत तलाश करें और उन्हें आसानी से और सहल अंदाज पे लोगों तक पहुँचाएँ। तो आपने हमारे चैनल पर देखी होंगी चीज़ें, हम लोग मुख्तलिफ तरह के तजर्बात भी करते हैं और मुख्तलिफ तरह के मौजूआत पर काम भी करते हैं, और टिपिकल किस्म की सास बहू के झगड़ों से हटकर भी हम कुछ और चीज़ें दिखाते हैं, जैसे कि अभी आपने नाम लिया रफीक से, रफ से बिस्मिल, मुश्क, चुपके चुपके। तो ये एक डिफरेंट तरह का जॉनरा था जो आपने अभी इन चंद महीनों के अंदर अंदर देखा होगा। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस सारा? ये इतने बड़े बड़े ड्रामे आप लोगों ने बनाए और बहुत हिट हुए माशाल्लाह, लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत अच्छा फीडबैक मिला, तो कैसा फील करती हैं? क्या कोई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा इन ड्रामों को बनाने में? कोई क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा? निधा, काम करते हुए तो देखिए हम कुछ भी नहीं सोचते कि हमें उसका रिजल्ट कैसा मिलेगा या इसका नतीजा कैसा आएगा। थोड़ा सा मैं नतीजे से बेपरवाह होकर काम करना पसंद करती हूँ। नतीजा तो ये है कि जो भी मिलता है अच्छा ही होता है, लेकिन यह है कि पहले से नतीजे को सामने रखकर मैं काम नहीं करती। मैं ये सोचकर काम करती हूँ कि हमें एंटरटेन करना है, हमें एजुकेट करना है। तो ये दो चीज़ें मेरे पेश नज़र होती हैं कि हम जिस बात को कहने जा रहे हैं वो कितने दिलचस्प अंदाज में कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे नज़र में ये है कि वो इंटरटेनिंग होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जितने ड्रामे जाते हैं वो इंटरटेनिंग होते हैं और लोगों को इंटरटेनिंग होते हैं तो वो लोगों को पसंद आते हैं। सही। और वो इस तरह से मतलब आसान होते हैं, सहल होते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। फिर ये है कि उसका दूसरा मरहला आता है कि वो एजुकेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम एक ड्रामे में शामिल करते हैं तो लोगों को मतलब पसंद आता है। सबसे बड़ी बात है कि वो ड्रामे ऐसे होते हैं कि जो फैमिली में बैठ के देखे जाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बाकी ड्रामे ऐसे बनने चाहिए कि पूरी फैमिली साथ बैठ के ड्रामा देख सके। जी बिल्कुल, ये हम टीवी आप जैसा कि जानती हैं कि फैमिली चैनल है और उसमें हम इन सब बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। कम अज़ कम जो टिपिकल किस्म की जो चीज़ें जो आजकल चल रही हैं तो उससे हम कोशिश करते हैं कि उन चीज़ों से थोड़ा सा हट कर कुछ अपने अंदाज में बात की जाए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल मैं बिल्कुल अग्री करूंगी आपसे सायरा, क्योंकि बाकी हमें वही चीज़ें ऑन एयर करनी चाहिए, वही चीज़ें टीवी पे दिखानी चाहिए और उन्हीं चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए जो हमारे कल्चर से मुंसलिक हैं।
सारा, क्या आपके ख्याल में लिखने वालों पे कोई जिम्मेदारी आयद होती है, स्क्रिप्ट राइटर्स पे क्या जिम्मेदारी बनती है उनकी कि वो जो टीवी पे दिखाएं वो कुछ ऐसा ना हो जिससे माशरे में मनफी सोच जो है वो डेवलप हो जाए और माशरा जो है वो बुराई की तरफ चला जाए? जी बिल्कुल निदा, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जिनके हाथ में कलम है, जो लिखते हैं, जो अपनी सोच देते हैं, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि अगर कोई एक आदमी भी आपके लिखे हुए से बिगड़ सकता है तो ये आपको इसका हिसाब देना होगा। तो इसी तरह कोशिश ये होती है कि मस्बत पैगाम दिया जाए, मनफी किरदारों को जरा सा पीछे रखकर या उनका अंजाम दिखाते हुए हम कहानी को लेकर आगे बढ़ें। और ये ना सिर्फ राइटर के ऊपर जिम्मेदारी होती है बल्कि जो हम जैसे लोग जो कंटेंट में बैठे हुए हैं उनकी भी बहुत जिम्मेदारी होती है कि वो इन सब बातों को ध्यान में रखें और देखें कि हम कोई मनफी सोच तो नहीं माशरे को दे रहे। सही बात है। सारा, हेल्प करती हैं स्क्रिप्ट राइटर्स की जब आपके सामने कोई स्क्रिप्ट आता है तो ऑब्वियसली एकदम तो वो स्क्रिप्ट अप्रूव नहीं होता होगा, आपका भी कुछ इनपुट जा रहा होता होगा उसमें? निदा बिल्कुल, बल्कि बहुत सारे राइटर्स जो हैं जिन्होंने पहली बार मेरे साथ लिखा, राज बहुत नामवर राइटर्स थे, बल्कि मैं ये कहूँगी कि डाइजेस्ट के ज़माने में भी उन सारी राइटर्स के साथ मैंने काम किया जिन्होंने, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि सबसे पहली बार उनकी राइटिंग मैंने देखी, ये मेरा एहसास है कि उन्होंने जब लिखा पहली बार ख्वातीन डाइजेस्ट में, शुआ डाइजेस्ट में, तो उनकी पहली तहरीर मैंने वहाँ देखी। फिर उसके अलावा जब मैं टीवी पर आई तो बहुत सारे राइटर्स की पहली तहरीर मैंने देखी। तो काफ़ी सारी राइटर्स हैं जिन्होंने पहली बार मेरे साथ काम किया और माशाल्लाह वो बहुत अब वो नामवर राइटर्स हैं। चलें, आपके ऊपर क्रेडिट जा रहा है, इसका मतलब लोगों को मशहूर बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा सारा, ये बताइए कि रीडिंग का आपको शौक है, लिखने का आपको शौक है, कौन सी बुक आजकल पढ़ रही है? निदा ऐसा है कि किताबें तो मैं पढ़ती रहती हूँ जब जब मुझे मौका मिले, अगरचे कि मुझे इतना ज्यादा मौका नहीं मिलता जिस तरह से पहले हम किताबें पढ़ा करते थे। सही। तो आखिरी किताब जो अभी मैंने 2-4 दिन पहले खत्म की है वो मलका पुखराज की ऑटोबायोग्राफी है, वो मैंने पढ़ी है अभी कुछ दिनों पहले, वो खत्म की है, बहुत मजे की किताब। अच्छा सही। आपको मौका मिले तो आप भी इसे पढ़िए। अच्छा ठीक है। किस तरह की किताबें आपकी अट्रैक्शन जो है अपनी तरफ खींच लेती हैं, वो कौन सी किताबें होती हैं, क्या सब्जेक्ट क्या टॉपिक को चूज करती हैं? वैसे तो जो थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाने वाली किताबें होती हैं, जो मतलब एक थॉट्स को बनाने में मदद देने वाली जो किताबें होती हैं वो मुझे अच्छी लगती हैं। लेकिन इसके अलावा भी मुझे फिक्शन पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा। मतलब नॉवेल्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, अफसाने पढ़ना, शॉर्ट स्टोरी पढ़ना पसंद है, ऑटोबायोग्राफी पढ़ना पसंद है, सफरनामे भी मैं बहुत शौक से पढ़ती हूँ। तकरीबन हर तरह की किताबें मतलब अच्छी लगती हैं और मेरे पास तकरीबन 4-5 हज़ार किताबों का ज़खीरा है। तो कंटेंट में काम करने वाले होते हैं, ज़ाहिर है कोई बहुत मुख्तलिफ लोग नहीं होते, वही होते हैं जो आप हम जैसे ही लोग होते हैं। लेकिन ये कि हाँ, मैं ये समझती हूँ कि इस फील्ड में आने के लिए आपको सबसे पहले तो आपको अपने मुतालिक का शौक बढ़ाना चाहिए, कहानी पे दस्तरस आपकी होनी चाहिए और इसके अलावा आपको नई नई बातें सीखने का शौक भी होना चाहिए। जी सारा, क्या मैसेज देना चाहेंगी आप इस गिव इट अ थॉट के प्लेटफॉर्म से न्यू राइटर्स को? न्यू राइटर्स को मैं यही छोटा सा मैसेज है कि मेहनत करें और मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती। अगर एक दफ़ा आपकी कहानी रिजेक्ट होती है तो आप मायूस ना हों और मुसलसल कोशिश करते रहें और वो दिन ज़रूर आता है आपकी ज़िंदगी में कोशिश करने के बाद कि जब आप कामयाब। थैंक यू सो वेरी मच सारा फॉर योर टाइम। आप आई, आपने इतनी अच्छी बातें की, इतने अच्छे मैसेजेस और इतनी अच्छी टिप्स बताई कि हमें बहुत मज़ा आया और हमारे देखने वालों को भी यकीनन बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर कमिंग। चलिए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Stay tuned. Allah Hafiz.